हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आफरीन खान। आज मैं आपको इस सुंदर से फूल वाले पौधे के बारे में बताऊंगी फ्रेंड। इसका नाम है टिकोमा और ये दो तीन कलर में आता है। ये पिंक कलर का है फ्रेंड और ये है येलो कलर का। तो इसका और एक ऑरेंज कलर भी होता है जो मेरे पास नहीं है और ये बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला होता है। इसके पौधे को हम सालों साल अपने घर पे ऐसे ही बनाए रख सकते हैं, यानी कि ये बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता है फ्रेंड। बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला होता है और बहुत ही कम केयर के साथ इस तरीके से फूल देते रहता है। इस पौधे के फूल इस तरीके से गुच्छों में आते हैं फ्रेंड और धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद इस तरीके से सूख जाते हैं। सूखने के बाद हमें क्या करना होता है कि इसे इस तरीके से पिंच करके निकालना होता है। हम इस तरीके से पिंच करके निकालते हैं तो यानी कि फूल इस पौधे में ही सूखने नहीं देते हैं, तो इसकी एनर्जी उस फूलों में नहीं लगती है और प्लांट की ग्रोथ और भी ज़्यादा अच्छी होती है। तो जब भी फूल सूख जाते हैं या फिर मुरझा जाते हैं तो सूखे फूलों को पिंच करना होता है। चाहे टिकोमा का प्लांट हो या कोई भी दूसरा पौधा हो, सूखे फूलों को पिंच करना ज़रूरी है, नहीं तो हमारे पौधे की एनर्जी को वो लेते रहते हैं। इस पौधे को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत भी नहीं होती है, बहुत ही कम फर्टिलाइज़र कम खाद के साथ बहुत अच्छे से ग्रो करते रहता है। इसमें मैंने बनाना पील फर्टिलाइज़र दिया था फ्रेंड। 15 दिन में एक बार या 20 दिन में एक बार मैं दे देती हूँ और यूज़ की हुई चाय की पत्ती का इस्तेमाल करती हूँ। बस ये दो फर्टिलाइज़र ही मैं ज़्यादा तौर पर देती हूँ या कभी कभी गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र, और इसमें ही मेरे पौधे बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और इसका जो लोकेशन होता है फ्रेंड, एकदम से डायरेक्ट बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में भी आप इनको रख सकते हैं, क्योंकि बहुत कम देखभाल में चलने वाला और तेज़ धूप में चलने वाला पौधा है और हमारे घर में ऐसे ही बना रहता है। तो इस पौधे की कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है और इसकी मिट्टी बनाने के टाइम पे या किसी भी पौधे की मिट्टी बनाने के टाइम पे पॉट को जब आप तैयार करते हो तो एक बात का ध्यान रखना होता है कि इसका ड्रेनेज होल अच्छा होना चाहिए। जब हम पौधे की मिट्टी में पानी डालते हैं फ्रेंड, तो उसमें पानी रुकना नहीं चाहिए, सीधा सीधा वो पानी नीचे की ओर निकल जाना चाहिए। अगर पॉट में पानी रुका हुआ रहता है फ्रेंड, तो हमारे पौधों की जो मिट्टी है वो एकदम से गीली रहती है, तो रूट्स जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, सड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं इसलिए, और पौधा एकदम से ख़राब होने लगता है। तो एक बात का ध्यान हमें बहुत ज़्यादा देना होता है हमारे पौधों में कि ड्रेनेज होल बहुत अच्छा रखें आप, और जैसे हम पानी डालते हैं साथ ही साथ निकल जाए। और प्लांट को हमेशा हेल्दी बनाए रखने के लिए कभी कभी 15 से 20 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे कर लें, और मिट्टी में कोई भी फंगिसाइड पाउडर, जैसे कि मैं टाइकोडर्मा का यूज़ करती हूँ, तो टाइकोडर्मा या फिर जो नीम खली होती है फ्रेंड, उसको मिट्टी में मिला दें, इतना काफ़ी रहता है। और ऐसे ही ये हेल्दी ग्रो करते रहता है, बहुत ही कम देखभाल के साथ चलता है। और टिकोमा बहुत ही सुंदर प्लांट होता है फ्रेंड और बहुत ही कम देखभाल में चलता है, तो इस पौधे को ज़रूर लगाएं फिर। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। मिलती हूँ इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में।